பார்வாக்கு. मुजफ्फर अहमद नंदा है, ये ड्राइवरी करता था, गाड़ी अपनी नहीं थी, किसी दूसरे की गाड़ी चलाता था. इसकी चार बेटियां हैं, बहुत गरीब है, दो कमरों में रह रहा है, चारों बेटियां पढ़ रही है, सबसे बड़ी आठवीं में है और सबसे छोटी शायद LKG में है, बहुत गरीब है. अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इससे कोई कंपनसेशन मिल जाता है इनके बच्चों के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से या किसी और भी इदारे से, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, इन बच्चों को मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते. आगे इनकी बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत बहुत मुश्किल आने वाले हैं, ये हालात बता रहे हैं. अब हम यही चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, हम DC साहब से भी या इनके जो भी मुतलिका अफसरान हैं उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस मामले में ज़रा गौर करें और इनका खास ख्याल रखें. अगर इनके हक में कुछ रिलीफ कुछ भी या जो इनके पढ़ाई के लिए या इनकी इसकी बीवी के लिए अगर कोई माहाना कुछ भी वजीफा कुछ भी हो जो इसकी, ताकि अपनी ज़िंदगी इनकी बच्चों की ज़िंदगी संवर सके, हमारा इसके बारे में यही कहना है. इल्तिमास करते हैं, एक बहुत गरीब बंदा था, दूसरे की गाड़ी चलाता था, चार बेटियां हैं, बीवी है, उनको पीछे छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनको पीछे छोड़ गया है. अब हम यही इल्तिमास कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी, DC साहब से भी, कि अगर इनको थोड़ी सी क्या इनको पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए, इनके बच्चों का खास ख्याल रखा जाए, इनके तैलीम का बाकी अखराजात का, गवर्नमेंट के पास इतनी स्कीमें होती है, हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि इनका खास ख्याल रखा जाए, हमारी यही इल्तिमास है गवर्नमेंट से.